कैसी लग रही है? अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। मॉम कह रही थी कि दादू का साइनस का इशू इतना बढ़ गया है। आई मीन पहले तो वो इनहेलर यूज करती थी, लेकिन अभी जब वो घर आएंगी तो उनको ऑक्सीजन भी लगेगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने अभी तक अपनी दवाई ली है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका कुरियर आया है। किसने भेजा? फरिया के लिए आया है। कहाँ से? यहाँ का। थैंक यू। ये तो दानियाल ने भेजा फरिया के लिए। आग लगे तेरे इस फोन को, हर वक्त इसमें घुसी रहती हो। मैं दानियाल को मैसेज कर रही हूँ, जाने से पहले उसने मुझसे बात भी नहीं की। 1 महीना हो गया उसको। ये खत भेजा है उसने, अभी कोरियर वाला देकर गया। दानियाल ने खत भेजा? जरूर अपने किए की माफी मांगा, इसलिए तो उसने कॉल मैसेज नहीं किया मुझे। पूरा खत लिखकर भेज दिया। चलो शुक्र है, उस अकड़ू का दिमाग तो ठिकाने पर आया। भाई समिया ठीक ही कह रही थी कि दूर जाएगा तो उसको बीवी की अहमियत का एहसास होगा। मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? दानियाल ने मुझे क्या लिखा है? दानियाल ने क्या हुआ? हाय मैं मर गई। तलाक? दानियाल ने तलाक दे दी? अभी दानियाल ने मुझे छोड़ दिया। बदबख्त कमबख्त, उसने सुलह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं थी। मैंने कहा था ना कि ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ेगी, वही हुआ। अच्छा चुप कर जा, हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला कर, चुप हो जा। संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। मैं बात करूंगी उसके बड़े भाई से। मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। चुप, मत रो मत रो। समिया, समिया तुम्हारी अम्मी का फोन है। आई 1 मिनट, आई। अम्मी का फोन है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अल्लाह बेड़ा गरक करे दानियाल का। अरे अल्लाह पूछेगा उसे, उसकी बहन के आगे आएगा। तुम देखना, उसकी बहन भी इसी तरह अपने घर वापस आएगी। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हैं? क्या किया दानियाल ने? अरे अरे उसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। खाला हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है। तुम और तुम्हारा भाई ना अब मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और अल्लाह ने चाहा ना, तुम्हारे भाई ने जिस तरह मेरी फरिया को छोड़ा है ना, इसी तरह तुम्हारी बहन भी तुम्हारे घर वापस आएगी। अरे अम्मी पूरी बात तो बताएं, हुआ क्या है? खाला मेरी बहन को बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? ऐसा क्या कर दिया दानियाल ने, बताएं तो सही। अरे कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, सोच कर ही मेरे दिल में हॉल पड़ रहा है। अब तो कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तुम्हारे भाई ने फरिया को तलाक लिखकर भेज दी है। अब तुम कहते हो कि मैं उसे बद्दुआएं ना दूं? अरे मैं तो रोज बद्दुआएं दूंगी। मेरी बच्ची के साथ जुल्म करके बचेगा नहीं है दानियाल। अल्लाह की लाठी जरूर उस पर पड़ेगी, अल्लाह की लाठी पड़ेगी उसमें। तुम देख लेना। दानियाल ने फरिया को तलाक दे दी। मेरे अल्लाह, बख्तियार साहब आप खामखा बात को गलत रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बात को कोई गलत रंग नहीं दे रहा हूं, बल्कि आप अपने स्टाफ की गैर जिम्मेदारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स ने तो आपकी वालदा के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस एज ग्रुप में थी। हमारे डॉक्टर ने उन्हें इस काबिल कर दिया था कि 2-3 रोज में वो अपने घर जाने के काबिल हो गए थे। देखें, किसी ने तो ऑक्सीजन बंद की है ना। हम लोग आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, हम लोग तो बस ये कह रहे हैं कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा दें। हाँ, बात खत्म। बस देखिए, कंप्यूटर शट डाउन होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी है। सिर्फ चंद मिनट की नहीं बल्कि 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग मुतासिर हुई है। और बख्तियार साहब ऐसा नॉर्मल है, ये हो जाता है। हम मानते हैं हमारे कंप्यूटर सेक्शन की गलती है, इस पर हमने अपने एडमिन को सस्पेंड कर दिया है। बख्तियार साहब अगर आपको लगता है कि वो मुजरिम हो सकता है तो पुलिस को बुला के हम उसे गिरफ्तार भी करवा देते हैं। बख्तियार साहब वो एक गरीब आदमी है, अगर वो बेगुनाह हुआ तो उसका सारा गुना आपके सर होगा। डैड, मेरा ख्याल है यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो। बेकार लोग हैं ये। यार तुमने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। और ईमान तक तो बात समझ में आती है, तेरी दुश्मनी है, तूने बदला लेना था उससे, लेकिन उस बुढ़िया को सब पता चल गया था। अगर वो सबको बताती थी तो मेरा भांडा फूट जाता। और फिर भी अगर बात खुल गई तो? और तू कह रहा है ना कि ईमान सब जानती है, अगर उसने बता दिया तो? ये तो मैं भी जानता हूं कि वो बहुत देर तक खामोश रहेगी नहीं, बताएगी तो वो जरूर। और चाहे कोई उसकी बात पे यकीन करे ना करे, मैं शक के दायरे में जरूर आ जाऊंगा। तो फिर अब क्या करेगा? यही तो सोच रहा हूं। लेकिन क्या मुझे उसे रोकने की जरूरत है? मैं तो भूल ही गया था, ये काम तो माहा बहुत अच्छे से कर सकती है। माहा, फखर क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, वो एक वर्कर पे शक था, लेकिन शक की बुनियाद पे किसी को सजा तो नहीं दे सकते ना। हाँ, अगर सबूत होता किसी के खिलाफ तो मैं छोड़ता ना। अहमद के खिलाफ सबूत तो मेरे पास भी नहीं, फिर मैं कैसे उसके खिलाफ कुछ कह सकती हूँ? कौन करेगा मेरी बात करेगी? और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो मिली? फखर मुझे यकीन है किसी ने जानबूझ के गायब की। नहीं मान, लोड शेडिंग, सिस्टम ब्रेकडाउन, 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं। मेरी अपनी कंपनी में कभी कभार सीसीटीवी कैमरास रिकॉर्डिंग नहीं करते। डैड तो चाह रहे थे कि इस मसले को आगे तक लेके जाए, फिर मैंने उन्हें समझाया कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मौत का एक वक्त होता है। दादू की मौत लिखी थी तो सो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या किया तुमने? भाई भाई मेरी बात सुने। भाई मत कहना मुझे, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो, कैसे तलाक दे सकते हो उसे? फैसल भाई आपको पूरी बात नहीं पता। क्या नहीं जानता मैं? लड़ाई झगड़े में इंसान 100 बेवकूफियां कर देता है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो, तलाक दे दो उसे, छोड़ दो उसे। अरे भाई छोटी बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पहले भी आपके दबाव में आके शादी कर ली थी ना, तो पूरी जिंदगी भी गुजार लेता, लेकिन भाभी इसके बारे में सब कुछ जानती है। समिया जानती है? समिया क्या जानती है? दानियल कह रहा है कि समिया को पता है कि उसने फरिया को तलाक क्यों दी। मैं जानती हूँ? मुझे क्या पता, दानियल तो कब से बहाने ढूंढ रहा था फरिया को छोड़ने के, और ये सब कुछ ईमान के मशवरे पर हुआ है। ईमान? अरे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम और खाला बार बार ईमान का नाम क्यों लिए जा रहे हो, और खाला उसे बददुआएं क्यों दे रही हैं? ईमान का नाम यूं ही नहीं आ रहा, वो ही है इस फसाद की जड़। खुद तो अपने घर में बैठी है सुकून के साथ, यहाँ मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया उसने। कैसे? दानियल हर बात करता है उससे, और दानियल उसकी हर बात मानता है। 20 लाख रुपए देकर गया है, आपसे एक बार भी उसने मशवरा किया है? नहीं ना। इन दोनों की मिली भगत है, और मैं बता रही हूँ आज के बाद अगर आपने इन दोनों से कोई ताल्लुक रखा ना, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। वो तो ठीक है, लेकिन ईमान क्यों? तुम्हें अपनी बहन बीवी से ज्यादा प्यारी है तो मुझे भी अपनी बहन प्यारी है। बुला लो अपने बहन और भाई को, संभाले तुम्हें भी और तुम्हारी औलाद को भी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो तुम? ईमान अपने घर की है, और दानियल को मैंने बोल दिया कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हम किसी की वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं अपने घर को? अगर मेरा नहीं तो टीपू को ही सोच लो यार। इस समय मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है कि मेरा घर बर्बाद हो? हद है वैसे। We're getting late, Maha. Coming. Uff, ये attitude. इसकी इतनी हिम्मत? अभी मैं जाके इसको इसकी औकात याद दिलाती हूँ। I think अपनी औकात भूल गई है ये। Sweetheart. तुम क्यों हर बात पे इतनी जल्दी रिएक्ट करने लगती हो? Can't you just see it? बदतमीजी करके गई है वो अहमद। I know माँ, लेकिन उसको इस बदतमीजी का जवाब देने के लिए और भी तो तरीके हैं। तुम इससे झगड़ा करोगी, सारे घर का माहौल खराब होगा, घर में वैसी कितनी टेंशन है और मजीद हो जाएंगी, और फिर आखिर में होगा क्या? ये रोएगी धोएगी, सबके सामने माफी मांगेगी और खुद अच्छी बन जाएगी, और मैं और तुम बुरे। देखो ऐसे सबक सिखाना चाहती हूँ तो फिर ऐसा सिखाओ कि उसकी ये अकड़ हमेशा के लिए दम तोड़ जाए। दिया, क्यों खुद को यूं ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं? जो हो गया उस पर सब्र करें। अम्मा इस तरह खुश नहीं होंगी, बल्कि उन्हें भी तकलीफ पहुंचती होगी। मैं बता नहीं सकता कि मैं अपने आप को इस वक्त कितना बेबस महसूस कर रहा हूं। मुझे अंदाजा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। हम बगैर सबूत के किस तरह किसी बेगुनाह को सजा दिलवा सकते हैं? हाँ, इसलिए ये मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वही इंसाफ करेगा, वही सजा देगा गुनाहगार को। डैड, मुझे आपके फ्रेंड एजाज अंकल का नंबर चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए एजाज भाई का नंबर? बेटा वो मेरे फोन में है, वहां से ले लो। ओके। इसे क्या कर रहे हैं उनका नंबर? हो सकता है एमर को कोई काम। रजमा, अम्मा जान की किसी भी चीज को कोई हाथ ना लगाए। जो चीज जहां पड़ी है ना वैसे ही पड़ी रहे। मैं चाहता हूं कि मुझे इस कोने से मेरी मां की खुशबू आती रहे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे। जो चीज जहां है वैसे ही रहेगी। आप प्लीज बख्तियार, आप चलें, चलकर आराम कर लें, बहुत रात हो गई है। देखो किसकी कॉल है। हेलो। हाँ बोलो फरिया। अल्लाह करे तुम मर जाओ, और अगर जिंदा रहो तो मेरी तरह एक एक खुशी को तड़पो, रो, तरसो। फरिया क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से दानियाल ने मुझे तलाक दे दी ईमान। क्या? तुम और तुम्हारा भाई कभी खुश नहीं रह सकते ईमान, तुम जरूर भुगतोगी। पहले तुमने मेरी गोद उजाड़ी, फिर दानियाल से कहा कि मुझे छोड़ दे। मुझसे बदला लेकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती ईमान। फरिया मेरी बात सुनो। हेलो फरिया, क्या हुआ? क्या कह रही थी फरिया? वो कह रही थी कि दानियाल भाई ने तलाक दे दिया उसे। वो समझ रही है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, हालांकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तलाक? हाँ। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। अरे कब तक रोती रहेगी? अरे मेरी लाडो चुप कर जा। थैंक गॉड मेरा मिनाल से कांटेक्ट हो गया, वो मुझसे मिलने के लिए भी राज़ी हो गई है। बस अब अगर वो किसी तरह मेरी बात को अंडरस्टैंड कर ले तो। हेलो। हाय, क्या बात है, आज बहुत खुश खुश नजर आ रही है, कोई ख्वाहिश है जो पूरी हुई है? वेल, वो भी पूरी हो जाएगी बहुत जल्द, आई होप। वैसे मैंने उस दिन ड्रॉअर में एक रिंग देखी थी, आई थॉट कि वो मेरे लिए लेकर आया हो, लेकिन वो रिंग तुमने देख ली? या यू वांट माय सरप्राइज? रियली? वो तुम्हारे लिए थी। ओके, तो फिर मुझे दी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत फजूल चीजें बनाते हैं। जिस दिन मैं तुम्हें देने आ रहा था उसका एक डायमंड भी गिर गया जी, तो मैंने अब ज्वेलर को वापस रिपेयर करने के लिए बात अच्छा किया तुमने मुझे याद दिला दिया। आपको कॉल इन तक पहुंचने में कल आते जाते दिखा दूँ। ओके यार, मैं कॉल करता हूँ। इट्स ओके। ओके आप ठीक। हेलो, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। माना कि मेरी बहन से गलती हो गई थी, लेकिन उसने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तुमने और तुम्हारे शौहर ने तो हद ही कर दी। अरे उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। भाभी आप फखर को क्यों बीच में ला रही हो? उनका इन सब सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर का मामला है ना। तेरी राह में रुलते फिरते। ईमान देखो, अगर फरिया ने कोई बकवास कर दी है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सर पे सवार कर लो इस बात को। तो वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दानियाल ने शादी के लिए राजी नहीं था। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और वैसे भी उस जैसी लड़कियां जो है वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना जानती है, अपना घर बसाना नहीं जानती। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, वो इस सब के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रही है। लेकिन मैंने ये सब दानियाल भाई से कभी भी नहीं कहा था। अगर कहना होता तो मैं पहले कह देती। और अब ईमान, क्या हम इस बात को भूल नहीं सकते? मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि अपने भाइयों के मसले को इस घर में मत लेकर आया करो और ना खुद इन्वॉल्व हुआ करो। अब देखो, इस मसले में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट तो कोई नहीं थी ना, लेकिन फिर भी तुम पे इल्जाम तराशियां हो रही है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अपने मसले हल होते नहीं हैं, दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। वैसे तो मैं फरिया से मिलने जाना चाहिए। फैसल मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं जाके बोलूं आप बैल मुझे मार। फिर भी तुम्हें उसे कम से कम दिलासा तो देना चाहिए ना। अरे ये सब उसकी बेवकूफियों का नतीजा है। कितना मना किया था मैंने उसे कि मत जा घर छोड़ के, लेकिन उसने तो मेरी एक ना सुनी। अब भुगतने दो उसे। हाँ, वैसे गलती तो सरासर फरिया की अपनी ही है, पता नहीं क्या किया उसने। हाँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ईमान और दानियाल को मैं बख्श दूंगी। उसके पास तो अम्मी है, वो देख लेंगी उसे। चली जाऊंगी 2-4 दिन में उससे मिलने। वैसे भी अगर अभी गई ना तो वो मेरे गले पड़ जाएगी। अब पता नहीं दानियाल ने ऐसा क्या सुना है जो वो मेरा नाम ले रहा है। इतना बड़ा फैसला दानियाल भाई ने क्यों किया? वो कम से कम मुझे बता सकते थे। मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है कोई। हेलो, क्या बात, तुम रो रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? फखर भाई से तो झगड़ा नहीं हुआ? किसी ने कुछ कहा है? लगता है ईमान और अहमद की सुलह हो गई है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। मैंने दोनों को अक्सर बातचीत करते देखा, और तुमने देखा था अहमद कितना फिक्रमंद हो गया था ईमान का हाथ कटने पे। ऑब्वियस ही बात है मॉम, दोनों क्लास फेलोज थे, और अगर एक दूसरे से झगड़ा हो भी जाए तो कितने अरसे तक कंटिन्यू कर सकता है बंदा। वैसे भी एक ही घर में रहते हैं। वैसे आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ईमान ने माहा और अहमद की शादी की इतनी मुखालफत क्यों की थी। अगर उसकी कोई नाराजगी थी तो अपने तक महदूद रखती। जब इंसान किसी को पसंद नहीं करता ना, तो उसकी मुखालफत ही करता है। वैसे उसकी बातचीत से लगता तो नहीं कि वो उसे पसंद नहीं करती। चलो खैर, आओ चाय पी लो। हिमर प्लीज जाओ यहाँ से, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तो बांट लो ना अपनी परेशानी मुझसे, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, कह दो जो दिल में है, दिल हल्का हो जाए। हिमर प्लीज जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हिमर, तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, वो एक बहुत बड़ा मॉल बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे थे कोई रेफरेंस हो, इनएक्सपीरियंस है जाहिर है। जी जी, आप हुक्म करें। तो वो ये चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मॉल बनाया जाए, ठीक है, और उसके ऊपर अपार्टमेंट हो। बोलो, क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? देखो मिनाल, आई नो तुम हम सब से बहुत खफा हो। जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी से खफा नहीं हूँ वहाँ, बट आई फील इंसल्टेड। तुम लोगों ने खुद रिश्ते की बात की, बैठे बैठे सब कुछ ओके कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया। और देखो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट मॉम और डैड ने अपनी साइड से सब ओके कर दिया था, और मैंने उनसे कहा कि आप ना मिनाल की शादी भाई से करवा दें, कि शी इज सच अ गुड गर्ल। अगर तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें आज भी यही कहूंगी कि फखर भाई के लिए तुमसे अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। व्हाट? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है महा, और जहाँ तक मुझे इल्म है उसने ये शादी अपनी पसंद से की है। Exactly. लेकिन अगर वो अपने दिमाग से काम लेते ना, तो ईमान जैसी लड़की से वो कभी शादी ना करते हैं। ईमान, how do I tell you, she doesn't have a class. And you know, वो मेरे भाई को सिर्फ बेवकूफ बना रही है, लेकिन बहुत जल्द उसका नकाब ना उसके चेहरे से उतर जाएगा। मैं नाला चाहती हूँ कि तुम मेरी भाभी बनकर हमारे घर पर आओ, तुम्हारी और फखर भाई की शादी हो जाए। You know, या तो तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो, या फिर तुम्हें मैं का मकल दिखाई देती हूँ। तुम अपने शादीशुदा भाई की शादी मुझसे करने की बात कर रही हो। ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगी हैं उसमें बाय द वे? देखो मिनाल, फखर भाई की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने ईमान से शादी कर ली। हम सबको तो पहले से आइडिया हो गया था इस बात का, लेकिन अब फखर भाई को भी आइडिया हो गया। वहाँ किसी भी रिश्ते के आगाज में, इनफैक्ट बाद में भी कई तरह के मसले मसाइल होते हैं, वो दोनों भी एडजस्ट कर लेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। ईमान तो सिर्फ फखर भाई को बेवकूफ बना के हमारे घर में घुस आई है, लेकिन उसको इतना टाइम हो गया हमारे घर में आए हुए, वो आज तक एडजस्ट नहीं कर पाई। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अभी और इसी वक्त डिसाइड करो और मेरे भाई से शादी करो। टेक योर टाइम। जब फखर भाई ईमान को इस घर से निकाल देंगे तब तो तुम मेरी भाभी बन सकती हो ना। माँ, तुम कहाँ गई थी? बता के तो जाती, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, रिसीव भी नहीं कर रही हो। याद है वो मैंने उस दिन मिनाल का बताया था, बस उसी से मिलने गई थी। वो जिसने उस दिन ठीक से बात नहीं की थी? या मैं बस उससे अपॉलॉजी करने गई थी। तुम और किसी से माफी मांगने गई थी? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। एक्चुअली मैं उसे कन्विंस करने गई थी कि जब फखर भाई और ईमान की सेपरेशन हो जाए तो वो फखर भाई से शादी कर ले। मां, तुम भी हद करती हो। अभी तुम्हारे भाई ने ईमान को छोड़ा तक नहीं है और तुम उसकी आगे दूसरी शादी की प्लानिंग करके बैठी हो। कम ऑन। बहुत जल्द ईमान इस घर से निकल जाएगी। और वैसे भी मनाल ने मुझे ऐसे ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, तो मुझे तो ये लगता है कि उसे भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि फखर भाई ईमान को छोड़ देंगे? और तुमने ऐसा किया ही क्या है तुमने, जो फखर भाई ईमान से इतने बदगुमान हो जाएं कि उससे ताल्लुक खत्म करके दूसरी शादी के बारे में भी सोचें? क्या किया? बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, आप उठा ही नहीं रहे थे। क्या बात करूँ मैं तुमसे? फैसल भाई, दानियाल भाई ने फरिया को क्यों तलाक दी थी? ये सवाल तुम दानियाल से पूछो तो ज्यादा अच्छा है, और मुझे लगता है कि उसने इतना बड़ा फैसला तुमसे बात किए बगैर नहीं किया हो। नहीं, मेरा यकीन करे फैसल भाई, मुझे अब तो कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं है तुम्हारा किसी भी बात का यकीन, और आज के बाद यहाँ राब्ता मत करना। भाभी, लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। फरिया भी मुझे इल्जाम दी जा रही है, मैं नहीं जानती कुछ इस बारे में। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। माना कि मेरी बहन से गलती हो गई थी, लेकिन उसने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तुमने और तुम्हारे शौहर ने तो हद ही कर दी। अरे, उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। भाभी, आप फखर को क्यों बीच में ला रही? उनका इन सब सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर का मामला है ना। अरे, वो तुम्हारे भाई का जिगरी दोस्त है। जिस दिन वो यहाँ से गुस्से में गया था, मुझे तो साफ नजर आ रहा था कि अब ये बदला लाजमी लेगा। भाभी, इल्जाम तराशी करना बंद करें प्लीज। अब अच्छी तरह जानती हैं कि दानियाल भाई और फरिया के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं था, और दानियाल भाई तो फरिया से शादी कभी करना ही नहीं चाहते थे। तो नॉर्मल हो जाता ना, लेकिन जिन भाइयों की तुम जैसी बहनें हो ना, उनके घर कभी नहीं बसते। एक बात तो तय है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अगर फिर भी शौक हुआ ना तुम्हें यहाँ आने का, तो धक्के देके बाहर निकाल दूंगी, समझी? भाभी, हम खामे उसको इतनी बातें सुनाई जा रही हो सकता है उसे वाकई पता ना हो। बस कर दें आप भी। मना किया था ना कि इन सबसे दूर हो तुम, लेकिन तुम्हें तो शौक है अपने घर वालों के मसलों में पढ़ने का, उन सबके मसाइल को अपने सर पे सवार करने का। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। और ईमान तुम क्या कम थी जो मुझे भी उन लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया सब मामलात में। ईमान एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम अपने भाइयों से कोई राब्ता नहीं रखो, और अगर रखा ना तो उन्हीं के पास चली जाना। मेरी तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है ना शायद, दूर हो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि फखर भाई ईमान को छोड़ देंगे? और तुमने ऐसा किया ही क्या है तुमने जो फखर भाई ईमान से इतने बदगुमान हो जाएं कि उससे ताल्लुक खत्म करके दूसरी शादी के बारे में भी सोचें? क्या किया तुमने ऐसा? अहमद भी तो ठीक ही कह रहा था। मैंने अब तक जितनी भी कोशिश की, इन सब का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। ईमान, आपदा किचन में बिजी है, तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं मॉम, आप उसको बुलाएं, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से गायब हो गई है। वहाँ मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ एक जरूरी काम है जिसे तुम मुसलसल इग्नोर कर रही हो। क्या मतलब, क्या काम? मैं अहमद की बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ नहीं है। मॉम मैं किस तरह उसका ख्याल रखूं? वो कोई बच्चा है जो? बच्चों जैसी तवज्जो की जरूरत होती है शोहर को, और मैं इस वक्त किसी और सेंस में बात कर रही हूँ। बीवी को मर्द को खुद से बांध कर रखना पड़ता है, चाहे वो मामूली मजदूर हो या बादशाह। जरा बीवी की तवज्जो हटती है तो कोई तीसरा जगह बनाने लगता है। माहा तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? पता नहीं मुझे क्या हो जाता एकदम से। पहले ही इतनी स्ट्रेस में थी और मैंने कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया। शायद ये मॉम की बातों का असर है, लेकिन सच तो यही है कि मुझे ईमान और अहमद को साथ देकर अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं खुद भी ये नहीं चाहता था कि उन दोनों का झगड़ा रहे, लेकिन पता नहीं मोहब्बत इंसान को कितना इनसिक्योर कर देती है, ये मुझे अब एहसास हो रहा है। आई थिंक किसी और तरह मनाना पड़ेगा उसे।